नमस्ते सभी को, नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ सभी साथियों का हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया, हम इस स्लाइड को कल डिस्कस कर रहे हैं। जी भैया, इसके पिछले स्लाइड पे एक बार लगा दीजिएगा। जी, तो कल हम लोग अस्तित्व किस प्रकार से अस्तित्व है इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, और अस्तित्व में वास्तविकताएं किस प्रकार हैं इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। तो दिखता है कि तीन प्रकार की वास्तविकताएं हैं, अनित्य, निरंतर और नित्य। तो जो जड़ इकाइयां हैं वो अनित्य हैं, वो देश और काल में सीमित हैं, इन स्थान में भी उनकी सीमा है, उनका कोई आकार है उस आकार की सीमा है, और समय की भी सीमा है, उनके गठन में परिवर्तन होता रहता है। चैतन्य इकाइयों को देखें तो आकार में सीमित हैं, तो स्थान में देश में सीमित हैं, और काल में निरंतर हैं, उनके गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यदि शून्य को देखें तो दिखता है कि असीम है, काल में भी और देश में भी इसकी कोई सीमा नहीं है, हमेशा से था, है और रहेगा, और हर जगह व्याप्त है। ये तीन तरह की वास्तविकता हैं, इसको हम लोगों ने कल विश्लेषित किया था, इस पर हम लोगों ने काफी सारी चर्चा भी की थी। जड़ इकाइयों में क्रियाओं के रूप में देखें तो पहचानना और निर्वाह करना, ये दो तरह की क्रियाएं हो रही हैं। चैतन्य इकाइयों में देखें तो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये चार तरह की क्रियाएं हो रही हैं। जानने की क्षमता है, जानने की क्रिया को जागृत करने के लिए अभी हम काम कर रहे हैं, और शून्य को देखें तो क्रिया शून्य है, उसमें कोई क्रिया नहीं है ना। जो क्रिया है इकाइयों में, इकाइयां आकार में सीमित हैं, व्यापक असीम है, हर इकाई स्वयं में क्रिया है और दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है, व्यापक क्रिया शून्य है। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो इसको यहाँ रख सकते हैं। जी, कल दिन भर की जांच परख से, और हमने ये भी देखा था कि एक एक शब्द के अर्थ में जाने की जरूरत है, तो कोई शब्द का अर्थ अगर प्रश्न हो उसको रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जी, अगर नहीं है तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। भैया, अगली स्लाइड लगा दीजिएगा। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। भैया, एक चीज पूछनी थी, ये जो हवा है, मतलब एयर जो है, ये बायो यूनिट में ही आएगा? हवा, हवा तो फिजिकल ऑर्डर में है। फिजिकल ऑर्डर में है जी। अच्छा, तो मतलब भैया, हवा मतलब जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं तो हवा जो होती है वो तो हमें प्लांट से मिलती है, तो प्लांट्स में हवा का आदान प्रदान हो रहा है, वो ठीक है, बट हवा तो बनी हुई है। इतना ही होता है कि हवा की रचना में परिवर्तन होता रहता है, तो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं जी। शरीर प्राणावस्था की इकाई है, पेड़ पौधे प्राणावस्था की इकाई है, और हवा पदार्थ अवस्था की इकाई है जी भैया। तो इसको हवा जो है वो यूनिट में ही आती है, मतलब इकाई में ही हम इसको रखते हैं हवा को? हाँ हाँ, हवा में कण है ना, इतने सारे अणु परमाणु हैं, वो सारी इकाइयां हैं जी भैया। जी भैया, धन्यवाद भैया। वो कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसमें वो मैं थोड़ी सी वो थी कि मतलब ये जो एयर है तो वो मतलब स्पेस में ही आता है या किसी यूनिट में आता है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था भैया। बढ़िया जी। जी भैया। जी भैया, बढ़िया दीदी। जी भैया जी, नमस्ते। जैसे व्यापक क्रिया शून्य है, ये आप बता ही रहे हैं और ये हम लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ मान लें या ये कोई इसको प्रमाण भी है इसका कि क्रिया शून्य है, कैसे समझें? देखने से कोई भी बात कैसे समझेंगे, तो देखकर समझेंगे। तो शून्य को जब देखते हैं तो क्रिया शून्य के रूप में दिखाई देता है। क्या पता ये क्रिया करती भी हो? हाँ, देखिए, वो रहस्य, वो संदेह हमको तब तक रहता जब तक दिख नहीं जाता, तो ये संदेह तो बने रहेंगे जब तक हम स्वयं को जैसा वैसा ना देख पाए, शून्य को जैसा वैसा ना देख पाए, शरीर को जैसा वैसा ना देख पाए, तो जड़ को जब तक जड़ की तरह ना देख लो उसके बारे में संदेह लगेगा। जैसे ये लग सकता है कि नहीं, जड़ में भी चैतन्यता है,
या हमको लग सकता है चैतन्य भी व्यापक का ही भाग है या व्यापक भी क्रियाशील है, ऐसे कई तरह के हमारे अंदर द्वंद्व प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो इनका समाधान तो यही है कि हम जाकर सीधे सीधे देख पाए उसको, हम वहां ध्यान देते हैं तो दिखता है। कि नहीं? ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी, ठीक है। जैसे जड़ में तो पहचानना निर्वाह करना समझ में आता है, चैतन्य में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना समझ में आता है। अब वो क्रिया शून्यता में क्या पता ये भी कुछ पहचानना उचानना चलता हो इसमें भी। जी अभी जिसको हम समझ में आना भी कह रहे हैं ना जी, वो ये है कि अभी तक जितना हमने रूप और गुण का मतलब देखा है, रूप और गुण को शरीर से मिलने वाली संवेदना के आधार पर और उसमें किए हुए विश्लेषण के आधार पर, उससे बात फिट हो जाती है, इतना ही है। इसको भी हम समझना कह रहे हैं। अब ये हमें संवेदना के माध्यम से क्या दिख पाया है शून्य के बारे में, उसको भी अगर हम ठीक से विश्लेषित करेंगे तो कुछ और चीजें स्पष्ट होंगी। अगर उसको अभी हमने ध्यान नहीं दिया है तो कम स्पष्ट होंगी, ध्यान दिया तो और स्पष्ट होंगी। तो अभी क्या है, चूंकि हमारा क्रिया को ही देखने का अभ्यास है और क्रिया के बीच में परस्परता में जो प्रभाव है उसको देखने का अभ्यास है, तो वहां तक तो बातें हमको ठीक लगती हैं। उसके आगे जब देखने की बात आती है तो हमारे अंदर बहुत सारे नए नए प्रश्न बनते हैं। बड़े प्रश्न ठीक है, वैलिड है, तो यहाँ पे फिर हमको देखने की जरूरत बनती है कि हम देखें ना, जब तक देख नहीं पाते हैं शंकाएं रहती हैं। जी भैया जी, ठीक, बढ़िया भैया। तो जड़ इकाइयों को देखें तो अनित्य है, क्रिया के रूप में है। हमारा शरीर भी जड़ इकाई है, जो शरीर में क्रियाएं हो रही वो भी जड़ है, जो सुविधाएं हैं वो भी जड़ है, शरीर से जो मुझे संवेदना मिल रही है वो संवेदना भी जड़ है। अपने बारे में देखते दिखता मैं चैतन्य इकाई हूँ, मैं निरंतर बना रहता हूँ, मैं भी क्रिया हूँ। तो प्रकृति में देखे तो चैतन्य इकाई के रूप में मैं ही है, जड़ इकाइयों में बहुत सारी चीजें दिखाई देती है अपने को, चैतन्य इकाइयों में देखें तो मैं चैतन्य इकाई के रूप में दिखाई देता है। और शून्य को देखते हैं तो दिखता है व्यापक है, नित्य है, क्रिया शून्य है। तो ये देश और काल में है ना असीम है, तो काल में असीम है तो परमानेंट है, देश में असीम है उसको भी कहा परमानेंट है, यानी हर जगह है। चैतन्य को देखते हैं तो काल में असीम है, और यहाँ देखते हैं तो दिखता है कि ये देश और काल दोनों में सीमित है। ये तीन तरह की वास्तविकताएं हैं। मूल मुद्दा देखें तो यही तीन वास्तविकताओं को देखने का है। जड़ को जड़ की तरह देख लें, चैतन्य को चैतन्य की तरह देख लें, है ना, और क्रिया शून्य को व्यापक की तरह देख लें। इतना ही भर करने काम है। तो जो ज्ञान के हम लोगों ने नौ मुद्दों पे बात की थी कि ज्ञान के नौ मुद्दे हैं, उसको भी और संक्षिप्त किया जाए तो तीन मुद्दे हैं, जड़ को देखना, चैतन्य को देखना, शून्य को देखना। इसको भी और अगर संक्षिप्त किया जाए तो एक ही मुद्दा है, सहअस्तित्व को देखना। इन तीन के बीच किस प्रकार सहअस्तित्व बना हुआ है उसको देख पाना, है ना। जी बढ़िया, इस पे कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये अगला स्लाइड लगा दीजिएगा। चैतन्य भी एक इकाई है, अर्थात इसमें भी स्पेस है। जी मुझ में भी स्पेस है, मुझ में भी स्पेस है, मैं स्पेस में हूँ। ये हर इकाई के साथ है, इकाई के अंदर भी स्पेस है और इकाई स्पेस में है। हाँ भैया, सॉरी, वो नमस्ते, सभी को नमस्ते, आवाज है भैया? हाँ हाँ भैया जी, ये जो जड़ इकाई है इसमें पहचानना और निर्वाह करना होता है, और जो चैतन्य इकाई है इसमें जानना मतलब पहचानना निर्वाह जानना मानना होता है। तो मेरा ये सवाल है या क्यूरियोसिटी ऐसी जानने की है कि जो ये जड़ इकाई है क्या यही आगे चल के इसी में जानना मानना होता है? तो अगर इसी जड़ इकाई में जानना मानना होता है आगे चल के तो ये चैतन्य बन जाता है। तो ये जो जानना मानना का जो
प्रक्रिया है होने वाली जड़ इकाई में जिससे वो चैतन्य बनता है, तो क्या हम उस प्रक्रिया को समझ सकते हैं? जी अस्तित्व में हर चीज समझ सकते हैं, है ना, उस प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं। अगर ये प्रक्रिया है तो संभावना तो है कि जड़ इकाई में ऐसा परिमार्जन हो कि चैतन्य इकाई बन जाए, है ना, ये संभावना तो है, उसको भी समझा जा सकता है। अभी जो करने काम हुई है कि जड़ को जड़ की तरह समझ ले, चैतन्य को चैतन्य की तरह समझ ले, नहीं तो फिर उसके बीच का अगर हम कोई क्रिया को देखने जाते हैं तो और हमारे लिए रहस्य बन जाता है, फिर एक सूचना मात्र रह जाती है हमारे लिए। बढ़िया। हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, मैं द्वारा एक जड़ या मतलब शरीर को धारण करना, ये एक घटना है कि नियम है? और अगर ये नियम है भैया, तो क्या जिसके द्वारा ये चैतन्य चुनाव करता है कि कौन सा शरीर धारण करे और कहाँ पर ले, क्या ये भी किसी मतलब ये नियम है क्या? जी, किसी चैतन्य इकाई द्वारा शरीर को धारण करना यानी शरीर के साथ साथी तो बनाना, ये तो घटना है, बट जिस आधार पे बनाता है वो नियम। तो मैं एक शरीर के साथ अस्तित्व को तय करता हूँ कि हाँ इस शरीर के साथ मुझे साथ साथ बने रहना है, ठीक है ना। तो जिस आधार पे मैं तय करता हूँ, जिस आधार पे मैं शरीर के साथ जुड़ पाता हूँ, वह तो नियम है। और उसमें इतना ही है कि एक शरीर की आवश्यकता दिखती है मुझे और शरीर के साथ जुड़ पाने की संभावना दिखती है मुझे, तो उसके आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ। अब इसमें जितनी मेरी चयन की योग्यता होती है उतने के आधार पर चयन करता हूँ। तो शरीर से लाभी तो हम अपने आप को शरीर मान के जी रहे होते हैं, जब स्वयं में क्रियाओं को हम ठीक से देख पाते हैं तो इस तरह के चयन के लिए भी हम विश्लेषण कर पाते हैं, उसके लिए कल्पनाशीलता को ठीक से निश्चित कर पाते हैं। अन्यथा जिस तरह से अभी बेहोशी में जीना होता है, वैसी वो घटना बेहोशी में भी हो सकती है। जी भैया, जी जी, बढ़िया भैया जी। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी को। जी मेरे मन में जो प्रश्न आया है, हो सकता है यह हमारे कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग हटके हो, बट सवाल ये आया है भैया, इसलिए मैं बस एक बार कोट करना चाह रही हूँ। जिससे हम सेल्फ एंड बॉडी की बात कर रहे हैं और मतलब शरीर का सेल्फ का बॉडी को धारण करने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जीवन एंड मृत्यु से संबंध है, मैं जहां तक समझ पा रही हूँ। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है मोक्ष का, जिसमें हम बोलते हैं कि जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो जीवन एंड मरण के बंधन से आत्मा मुक्त हो जाती है। तो मैंने पहले ही बोला भैया कि शायद हमारे कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग है, कैसे इस चीज को कैसे देख सकते हैं या फिर यहाँ तक नहीं देखेंगे? जी भैया, तो मोक्ष का मतलब है मुक्ति। किस बात से मुक्ति? भ्रम से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति। तो जब हमारे अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रिया जागृत होती है तो जो भी हमारे अंदर मान्यताएं बनी हुई थी उन सबसे मुक्ति मिलती है, इसी को मोक्ष कहा। अब एक बार ये स्थिति बन गई हमारी, अनुभव तक पहुंच गए, है ना, फिर हम उसको अपने जीने में प्रमाणित करते हैं, अपनी कल्पनाशीलता में प्रमाणित करते हैं, अपने आचरण में प्रमाणित करते हैं। ये भी अगर हमने काम पूरा कर लिया फिर हमारे लिए बाध्यता नहीं है शरीर को वापस धारण करने की और उसको चलाने की, क्योंकि जो कुछ बाहर से उपलब्धि होनी थी वो सारी हो गई। शरीर का साधन के रूप में जो भी लक्ष्य था पूरा करने का वो पूरा हो गया, तब हमारा च्वाइस है। तो बंधन से मुक्ति इसी रूप में है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, ये अब मेरी बाध्यता नहीं है। अब मैं अगर शरीर लेता भी हूँ तो एक करुणा के भाव के साथ कि समाज में कैसे व्यवस्था बने, कैसे मानव लक्ष्य की पूर्ति हो, कैसे मानवीय परंपरा बने, इस रूप में लेता हूँ, परंतु मेरे लिए बाध्यता नहीं है क्योंकि मेरी पूर्णता हो गई है ज्ञान में आचरण में, तो बंधन नहीं रहा वो, उसी को कहा कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बट मैं बना रहता हूँ, उसमें एक जो क्रूशियल बात है वो ये है कि मैं बना रहता हूँ। अच्छा, सेल्फ फिर भी रहता है भले ही वो बॉडी ले या ना ले। हाँ, मुक्त अवस्था में है और बना रहता है। अच्छा अच्छा, समझ गए, धन्यवाद जी।
बढ़िया जी। भैया नमस्कार। नमस्ते। मेरा एक प्रश्न था अभी उठा इसमें कि यदि शरीर से जैसे अपन को मोक्ष मतलब ये सेल्फ को ज्ञान हो गया और उससे अपन मुक्ति को प्राप्त किया, लेकिन इसके बाद भी हम शरीर मतलब जन्म लेना चाहें या दोबारा दुनिया में आना चाहें तो ये हमारा चुनाव रहता सेल्फ का, तो इसका ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या उस समय भी हमारे अंदर विचार चलता रहेगा जब सेल्फ रहेगा, क्योंकि ऐसा अभी तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि शरीर के अंदर रहते ही अपन विचार करने, किसी के विचार का सारा यंत्र मुझे ऐसा लगता है कि शरीर के माध्यम से ही चल रहा है, जब शरीर नहीं है तो उसके बाद क्या वो सेल्फ विचार करने की स्थिति में रह पाएगा कि हम करुणा के भी भाव में हो लेकिन कुछ भी अनुभव की उस स्थिति में रहता है क्या सेल्फ? अगर ऐसा मेरे मन में आ रहा है इसलिए क्योंकि ये है तो फिर अनंत काल से इतने सारे लोगों में कितने सारे ऐसे सेल्फ मौजूद होंगे इस अस्तित्व के अंदर जो इस दिशाओं में चल रहे होंगे, तो क्या उसमें बेचैनी भी हो सकती है या कैसा हो सकता है, क्या मैं थोड़ा सा इस मामले में जानना चाह रहा था। जी अभी भी देखिए तो आपके अंदर जो विचार चल रहा है ना उसमें हम देख सकते हैं कि कितना भाग शरीर से मिलने वाली संवेदना से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसको केंद्र में रखकर हो रहा है और कितना भाग हमारे स्वयं में जो पहले से संकलित है सूचना उसके आधार पर हो रहा है, उसको अभी भी हम देख सकते हैं। तो शरीर नहीं रहा तो शरीर से सूचना नहीं मिल रही, उस सूचना के प्रभाव से जो कुछ हमारे अंदर ट्रिगर हो रहा था वो रुक जाएगा बट जो हमारे अंदर स्टोर्ड है वो तो चलता रहेगा, उसके आधार पर विचार करते रहेंगे। तो विचार तो एक निरंतर बनी रहने वाली क्रिया है, विचार की वस्तु जो है उसमें परिवर्तन हो सकता है क्योंकि वो शरीर नहीं है जिसके द्वारा हमें सूचना मिल रही थी। जी ठीक है। बट जो हमारे अंदर संचित संस्कार हैं उसके आधार पर जो भाव बनेंगे, भाव के आधार पर विचार करेंगे तो अपने आप में निरंतर आराम की स्थिति में रहें इसके लिए तो चिंतन बोध अनुभव को जागृत करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये शरीर पर निर्भरता बनी रहती है हमारी और निर्भरता भी परतंत्रता है। अगर शरीर को लेने की, शरीर को चलाने की हमारे अंदर एक बाध्यता बनी हुई है तो वो भी एक परतंत्रता है। मैं अपने से बाहर किसी भी चीज पे सुख के लिए अगर निर्भर हूं तो परतंत्रता है। ठीक है भैया। बढ़िया भैया। ओके। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया एक क्वेश्चन, अभी अभी जैसी चर्चा चल रही है उसमें ये मेरा बना कि क्या बॉडी को छोड़ने का डिसीजन लेने की पावर भी है सेल्फ में? है ना। देखिए अभी तो हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं, ये सब हमको बड़ा कठिन सा और मुश्किल सा लगता है। तो शरीर हमको साधन के रूप में दिखाई देता है, मुझे स्वयं से भिन्न दिखाई देता है, तो एक साधन की ही बात है। तो अभी भी आप देखें जब डेथ होता है तो किसी पॉइंट पे हम निर्णय तो लेते ही, उसमें यही एक संभावना है कि शरीर चलने योग्य नहीं रहा इससे निर्णय लेते हैं ना। शरीर चलने योग्य है तब भी हम दूरी तो बना ही सकते हैं शरीर के साथ, जो हम अभ्यास दो में करते रहे कि मैं और शरीर की दूरी है जी। तो जो छोड़ना है वो क्या अल्टीमेटली मेरे और शरीर की उसकी दूरी को बढ़ाना है, इतना ही भर है। बट शरीर जब तक हमारे साधन के रूप में काम करने योग्य है हम उसको क्यों छोड़ेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, समझ के साथ सदुपयोग ही करेंगे। अभी जब लोग दुखी हो जाते हैं एक सीमा से अधिक चला जाता है तो फिर उसको शरीर को नष्ट करने का है ना छोड़ने का एक प्रकार से दुख पूर्वक निर्णय लेते हैं। तो हम जब तक शरीर साधन के रूप में बना उसका सदुपयोग करेंगे। जी भैया जैसे एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो इसमें मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें तो सेल्फ आई डोंट थिंक कि ये डिसाइड करता है कि मुझे बॉडी को छोड़ना है। लेकिन एक्सीडेंट हो गया, मेधस में ब्रेन में चोट लग गई है ना, अब वो साधन की तरह नहीं काम कर रहा, आप उसको बार बार संकेत दे रहे हैं, संकेत ले ही नहीं रहा, तो आपने थोड़ी देर ट्राई किया अब संकेत नहीं ले रहा तो क्या करेंगे, फिर ड्रॉप करते हैं आइडिया, चलो भाई काम पूरा हुआ है ना। अब वो संकेत ले ही नहीं रहा, हम कह रहे उठो बैठो चलो भागो कुछ कर ही नहीं रहा। ओ राइट, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बढ़िया दीदी, अब कुछ और हैंड्स ले लेते हैं बट चर्चा को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो दिखता है कि अस्तित्व सहस्तित्व है, शून्य है, इकाइयां हैं, इकाइयां शून्य में संपृक्त हैं,
यानी शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। और देखते हैं इसको तो दिखता है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान है, हर देश में हर काल में बना हुआ है। तो शून्य हर देश में हर काल में बना हुआ है, उसमें इकाइयां भी बनी हुई है, अस्तित्व भी बना हुआ है। तो शून्य बने रहते हुए हर इकाई ऊर्जित है यानी क्रियाशील है, नियंत्रित है यानी स्वयं में व्यवस्था है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, इस प्रकार समग्र व्यवस्था में भागीदार है यानी संबंध बना हुआ है। तो नित्य वर्तमान है, इससे हमें कई बातें स्पष्ट होती हैं। नित्य वर्तमान है, हमेशा से था, है और रहेगा, तो ये कोई क्रिएशन नहीं है, ये अस्तित्व है, ठीक है ना। और हर जगह व्याप्त है, ठीक। इससे भी बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं, अब इस पे नहीं जाते हैं, परंतु अगर आप इस बात को थोड़ा विश्लेषित करेंगे तो बहुत सारी भ्रांतियां जो बन सकती हैं इस बात को नहीं समझने से, उनका मूल्यांकन हो पाता है। वैसे दिखता है कि शास्त्र तो नित्य प्रभावी है, यानी जो भी इकाइयां हैं, छोटी से छोटी इकाई लेकर बड़ी से बड़ी इकाई तक प्रकृति में, वो सभी अस्तित्व बने रहते हुए ही क्रियाशील हैं। उनके हर परस्परता में यही प्रभाव दिखाई देता है, जो भी मेरे अंदर घटित हो रहा है अस्तित्व पूर्वक हो रहा है, जो मेरे और शरीर के बीच में घटित हो रहा है वो भी अस्तित्व पूर्वक हो रहा है, जो दो किन्हीं भी दो इकाइयों के बीच में जो घटित हो रहा है अस्तित्व पूर्वक ही हो रहा है। तो नित्य प्रभावी है, कोई भी इकाई इस प्रभाव से मुक्त नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है इस पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, उसके आधार में शून्य है जी। भैया नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। और ये भी दिखता है कि अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। प्रकटनशील है मतलब अस्तित्व पूर्वक ही ये चारों अवस्थाएं बनी हुई है, चारों अवस्थाओं का निश्चित स्वभाव धर्म बना हुआ है, इसमें निश्चित प्रकार से क्रियाशीलता बनी हुई है, अनुसंगीयता बनी हुई है, ये सब कुछ अस्तित्व पूर्वक ही हो रहा है। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। तो पदार्थ अवस्था में देखें तो परमाणु से लेकर ग्रह गोल तक ये सभी पदार्थ अवस्था में है। एक एक कण, एक एक परमाणु देखें तो पदार्थ अवस्था में है, और बड़े बड़े ग्रह देखें, धरती के भी कई हजार गुना बड़े ग्रह हैं, जहां तक अभी हमारी पहुंच हुई है, जहां तक हम लोगों ने यंत्रों के माध्यम से पहचाना है, तो उनको भी देखें तो सभी पदार्थ हैं। प्राणावस्था, छोटी छोटी प्राण कोशिका को भी देखें, उससे लेकर मानव शरीर तक, ये सभी पदार्थ प्राणावस्था में है। जीव अवस्था में देखें तो दिखता है कि मैं है और शरीर है, तो चयन आस्वादन की क्रिया हो रही है ना, और यही जो सेल्फ है जीव शरीर के साथ, इसी में क्रमशः विकास होते होते वो मानव का शरीर चला पाता है, और उसमें ही विकास होते होते वो जागृत हो पाता है, उसमें पूर्णता हो पाती है। और ज्ञानावस्था में देखें तो चयन आस्वादन भी हो रहा है, विश्लेषण, चित्रण, तुलन, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, वहां से आगे चलकर जागृत हो पा रहे हैं। और जानने की आवश्यकता हमें बनी हुई है, जानने की क्षमता भी हमें बनी हुई है। तो चार अवस्थाओं को मैंने जो अध्ययन किया था है ना, उनके बारे में अगर जितना भी अध्ययन करते हैं, दिखता है सब कुछ अस्तित्व का ही प्रकटन है। किस प्रकार एक एक कोशिका निश्चित प्रकार से आचरण कर रही है, कैसे एक एक परमाणु निश्चित प्रकार से आचरण कर रहा है कि नहीं। अभी देखिए तो कहते हैं एटम बॉम्ब है ना, एटम में ही हम कुछ ऐसा डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं, आवेश पैदा कर देते हैं, इतना विध्वंसक हो जाता है। और पूरे पृथ्वी पे देखे तो एटम्स बने ही हुए हैं और कोई विध्वंस नहीं कर रहा, एक निश्चित प्रकार से बना हुआ। अगर सोचिए कि एक एक एटम में ऐसी अनिश्चितता हो जाए, कभी विध्वंस कर सकता है ना, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जीने में कितने बड़े संकट और परेशानियां उत्पन्न होंगी, बट ऐसा नहीं है कि नहीं। न्यूक्लियर बम, एक एक न्यूक्लियस में इतना आवेश पैदा हो सकता है कि एक बॉम्ब की तरह काम करे, पूरी धरती को नष्ट कर दे, बट ऐसा नहीं हो रहा, एक निश्चित प्रकार से बना हुआ है, एक निश्चित प्रकार से आचरण कर रहा है। किस प्रकार? अस्तित्व पूर्वक।
हम उसमें जाके आवेश पैदा कर देते हैं, अन्यथा उसको देखें तो एक निश्चित आचरण के साथ बना हुआ है। तो हमको एक एक अवस्था दिखाई देती है और इन सब का सार भी दिखाई देता है कि कैसे हो रहा है, सस्तित्व पूर्वक हो रहा है। एक एक अवस्था में जो क्रिया है, एक एक अवस्था का जो स्वभाव है, जो धर्म है, जो अनुसंगीयता है, सब कुछ अगर देखें तो सस्तित्व प्रकटन के रूप में देखता है। सार में देखें तो सस्तित्व है। तो ये तीन बातें दिखाई देती हैं कि सस्तित्व नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है। जी, इतनी बात को लेकर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। निरुपम जी का एक प्रश्न है, शरीर के द्वारा सुख का बोध भी परतंत्रता ही है। जी जी, ठीक बात है, ये बड़ी बात तो है ही। अभी हम शरीर से सुख लेने में लगे रहते हैं और इसीलिए प्रिय हित और लाभ में फंसे रहते हैं। सुख को संवेदना के स्तर पर देखिए, वही हम कह रहे हैं कि जो संवेदना से मिल रहा है उसको अभी हम सुख इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर उसको भी न सुख कहें तो आदमी को लगता है कि फिर हम कर क्या रहे हैं, फिर उपलब्धि क्या है, फिर अभी तक हमने पाया क्या, उसको सुख कह दिया। परंतु अगर ठीक से देखें तो वो एक्साइटमेंट है, एक आवेश है। अगर सुख को क्वालिटेटिवली डिफाइन करने जाए तो जो चिंतन बोध अनुभव के आधार पर है वही सुख है, उससे कम में जो कुछ हो रहा है वो क्षणिक है, सामयिक है, एक आवेश के रूप में है ना। आया, थोड़ी देर हमको प्रभावित किया, चला गया। जी, कुछ हैंड्स रेज हैं। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, मेरा प्रश्न ऐसे बैठे बैठे ऐसे आ रहा था कि जैसे हम शरीर से अपने आप को प्रमाणित करते हैं भैया। हेलो जी जी जी, तो भैया ऐसा कोई व्यवस्था क्यों नहीं था कि मतलब शरीर अलग रहे और हम अलग ही रहे, मतलब हम अपने आप से ही प्रमाणित हो पाए, शरीर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे होता है मिक्स वाला चक्कर में। देखिए, अभी अपने को दिख रहा है ना कि शरीर का साधन के रूप में प्रयोग करके भी अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं बन पाती ज्ञान के अर्थ में, तो हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो शरीर के लिए अभी हमारी एक अनिवार्यता बनी हुई है, तो अगर ये शरीर भी ना हो है ना, तो अपने आप में हम ज्ञान तक पहुंच जाएं कि कैसे हो पाएगा, ना हम संवाद कर पाएंगे, ना हम जांच के देख पाएंगे क्योंकि प्रस्ताव ही नहीं पहुंचा, ना जी कर देख पाएंगे, तो हम फंसे रह जाएंगे। तो शरीर एक साधन के रूप में हमारे लिए आवश्यक तो है, अभी अनिवार्य भी है, क्योंकि इससे कम में हमारा काम नहीं चलता। नहीं तो चैतन्य ऐसा नहीं हो सकता ना कि मतलब ऐसा तो नियम ही नहीं है, चैतन्य अपने आप ही प्रमाणित हो, शरीर का जरूरत ना पड़े। देखिए, अस्तित्व को तो जैसा है वैसा समझना बनता है। अच्छा जी, फिर हम एक अल्टरनेटिव मॉडल हो अस्तित्व का, उसकी जरूरत नहीं है, अभी जैसा है उसको वैसा देख ले, समझ ले उसको, जितना जितना आप देख समझ पाएंगे उतना अप्रिशिएट कर पाएंगे। जी, क्योंकि जो सेल्फ है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहले वो पशु शरीर को चला रहा था तो उसमें अभी चयन आस्वादन की क्रिया ही ठीक से पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, अभी उतने में लगा हुआ था, फिर आगे चलकर विश्लेषण कर पा रहा है, तुलन कर पा रहा है, फिर आगे चलकर चित्रण कर पा रहा है। एक एक क्रिया को डेवलप करने में कितना श्रम है वो हमको दिखाई दे रहा है। अभी आप देखिए तो हम स्टेप वन में कर रहे अभ्यास में भाव के प्रति सजग हो जाए, कहाँ हो पाते हैं, आप शरीर से कोई सूचना ना लें है ना, तो भी नहीं हो पाते हैं, आपको लगता है सब ब्लर्ड जैसा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो शरीर से बार बार सूचना लेकर निर्वाह करके उस पर ध्यान जाता है, तो क्या है अभी हमको उसमें सुख नहीं लगता, तो ध्यान भी नहीं देते हैं। तो ये जीते हुए जो बहुत सारा हमको सूचना मिलती है बाहर से, उससे हमको अपने अज्ञान का पता चलता है, तो ज्ञान के लिए प्रायोरिटी बनती है। जी 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 भैया, एक क्वेश्चन और आ रहा था, जैसे जैसे हम चैतन्य है, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मतलब व्यापक बनना ही है क्या, सिर्फ उसमें क्रिया डिफरेंस हमारे और व्यापक में यही है कि व्यापक में क्रिया शून्य है और हम क्रिया है, बाकी तो लगभग सेम ही लग रहा है सब। नहीं, कहाँ तो, सेम है, तो देखिए क्रिया क्रिया के रूप में बनी रहती है, क्रिया शून्य क्रिया शून्य है, क्रिया शून्य बना रहता है। तो क्रिया तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है भैया, जैसे चैतन्य का फाइनल डेस्टिनेशन है कि आपकी क्रियाओं में पूर्णता हो जाए, चिंतन बोध अनुभव में आप जागृत हो जाएं।
अच्छा जी, बट आप रहेंगे क्रिया के रूप में ही, क्रिया 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 तो रहेगा ही जी, जो सीमित इकाई वो असीम हो जाए ऐसा नहीं हुआ। इतना जरूर है उस असीम को देखने के साथ है ना, मुझे अपना संबंध पूरे अस्तित्व के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ दिखने लगता है, इतना जरूर है। अच्छा, तो किसी मतलब अस्तित्व जो है वो अनुभव में आ जाएगा, सीधी सी बात। जी जी जी, ठीक है ठीक है भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, हम यूनिट्स और यूनिट्स में देखते हैं, तो परस्परता में प्रभाव को हमने गुण बोला है, और अगर हम इसको देख रहे हैं को एग्जिस्टेंस को, तो क्या इसको हम इससे समझ सकते हैं कि शून्य का जो प्रभाव है यूनिट्स के ऊपर, उसी को हम को एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं? को एग्जिस्टेंस है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सहसित तो नित्य प्रभावी है, तो शून्य का हम प्रभाव अगर कहें तो ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि तो शून्य क्रिया शून्य है, प्रभाव क्रिया का है, तो सहसित्व को जब देख रहे हैं तो वहां क्रिया भी है, क्रिया शून्य भी है, तो सहसित्व का प्रभाव है ये कहना ठीक है, शून्य का प्रभाव ये कहना ठीक नहीं है, शून्य आधार में है। अभी इसमें आए ना भैया, एवर इफेक्टिव सहसित्व न कि शून्य। अभी तो अपने प्रपोजल में तो ये लिया है कि शून्य एवर इफेक्टिव है, एवर प्रेजेंट है, एवर इफेक्टिव है। हाँ लिखा है, शास्त्री तो नित्य प्रभावी है कहा, शून्य नित्य प्रभावी नहीं कहा। ओके ओके, ठीक है भैया, ठीक। बढ़िया भैया, नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि शरीर जब इच्छा रखते हुए, अगर शरीर चैतन्य और शरीर से छूट जाता है, अगर कोई इच्छा हो इसमें चैतन्य में और वो शरीर छोड़ रहा है, तो क्या वो अगली षड यात्रा उस इच्छा के हिसाब से और अपनी इमेजिनेशन में जो उसके चल रहा हो एंड समय में, अगली षड यात्रा उस हिसाब से अपना शरीर धारण करेगा? देखिए उसको बहुत सिंपल है समझना, जैसे हाँ। कल आपने कोई चीज छोड़ी, ठीक है जी, कोई साधन छोड़ा, कोई सुविधा छोड़ी, अब आज आप उसी इच्छा के साथ दिन शुरू करें, कोई जरूरी तो नहीं है, तो कल yes, चाय पीने की आशा हुई आपके अंदर, आपने तय किया कि चाय पिया जाए, फिर आपको लगा नहीं इसे नुकसान होगा छोड़ देते हैं, तो आपने छोड़ दिया, अब आज वापस चाय पीने की इच्छा होगी, कोई जरूरी नहीं है चाय पीने का निर्णय। कई बार ऐसी सूचना मिली है कि जब अंतिम इच्छा अगर छूट जाए शरीर में, तो वो उस कॉन्शियस को इतना अवेयर कर लो कि कोई इच्छा ना रहे, तभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। देखिए वो सब चीजों को समझना होगा, मोक्ष का मतलब समझ में आ रहा ना कि ये जो मान्यताएं बन गई हमारे, इतना अवेयर हो जाए जी, इतना सारा जो मान्यताएं बन गई हमारे अंदर समझे बगैर, इनसे मुक्त होना, और तभी हो पाता है जो चिंतन बोध अनुभव में जागृत होते हैं, चिंतन बोध और अनुभव में जागृत होते हैं। जी शरीर को छोड़ते कोई इच्छा बन भी गई, अब वो डिपेंड करता है, इच्छा अगर स्वयं मूल्यांकित हो गई कोई बात नहीं, नहीं मूल्यांकित हुई तो उसका प्रभाव बना रहेगा, वही अभी दिनचर्या में भी हमको दिखता होगा, जीने में भी दिखता होगा, कुछ इच्छाएं जो बनी रहती हैं, कुछ इच्छाएं जो हम ड्रॉप कर देते हैं, जैसे हो सकता है किसी के प्रति आपके अंदर विरोध का भाव बन गया और पूरे चित्रण में चल रहा है ना, जिसको देख लेना है, निपटा ही देना है, ये करना है वो करना है, 4 घंटे 6 घंटे तक चला, फिर आपने कहा कि छोड़ो है ना, परेशान होगा इसलिए ऐसा किया होगा, अब वो इच्छा चली गई, अगर ऐसा नहीं दिखता आपको कि परेशान होगा इसलिए ऐसा किया होगा, तो वो इच्छा बनी रहती, कहिए कि हम पूरी शरीर यात्रा लगा दें उसमें, उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने में, तो ये तो मेरा निर्णय है। पर सर अगर देखने में आए तो लोग तो ऐसा ऐसा ही जीते हैं कि वो किसी दूसरे को बस नष्ट करने का वो सोच लेते हैं, उनका कॉन्शियस बस उसी काम में ही लगा रहता है, वो कोई अस्थाई इच्छा तो है नहीं है ना, वो जा भी सकता है, अभी बना हुआ है जा भी सकता है, तो हमें अपने इच्छा विचार अनुभव से हमने अपने अवेयरनेस को कॉन्शियस को अवेयर करना है, ताकि हमारे पास जो कॉन्शियस का काम है हम वो कर सके,
ना कि हम अपनी कल्पना और शीलता से अपने चैतन्य को डिस्टर्ब करते रहे, यही है सर। बिल्कुल, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने आप को, हम ज्ञान के लिए काम करें। यस सर, जो हमारे काम आएगा भी और जो हमारे और हमें अपनी सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है वो ज्ञान, तो हम उसी की तरफ क्यों ना कल्पना क्षेत्र को दौड़ाए, हम ऐसे ही खामे खा दूसरे कल्पना क्षेत्र लाओ, ये ले ले, वो खा ले, ये कर ले, ये बना ले। यही तो प्रायोरिटी शिफ्ट होना है राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी सर, बढ़िया बढ़िया दीदी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। भैया अगली स्लाइड लगाइएगा। तो पूरे अस्तित्व को देखें तो इस प्रकार दिखाई देता है, शून्य है जो हर जगह व्याप्त है, प्रकृति शून्य में संपृक्त है। प्रकृति के इकाई को देखें, दिखता है कि इकाइयों का बेसिकली समूह ही प्रकृति है, और जो भी इकाइयां हैं आकार में सीमित हैं, स्वयं में क्रिया है, दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है। जबकि शून्य को देखें तो दिखता है कि असीम है, व्यापक है, क्रिया शून्य है, और शून्य बने रहते हुए इकाइयां स्वनियंत्रित हैं, ऊर्जित हैं, परस्परता को पहचान रही हैं, निर्वाह कर रही हैं। तो इकाइयां स्वयं में नियंत्रित हैं, किस प्रकार दिखाया जाता है कि शून्य में नियंत्रण उपलब्ध है, शून्य में नियंत्रण उपलब्ध है, उसमें बने रहते हुए इकाइयां नियंत्रित हैं। हर इकाई ऊर्जित है, किस प्रकार, तो शून्य साम्य ऊर्जा है, एक निश्चित प्रकार से बना रहता है, उसमें घटना बढ़ना नहीं है, साम्य है, एनर्जी इक्विलिब्रियम कहा उसको। वैसे परस्परता को पहचानना हो रहा है, निर्वाह करना हो रहा है इकाइयों के बीच में, शून्य को देखें तो पारदर्शी है, शून्य के माध्यम से ही हर इकाई हर दूसरी इकाई के साथ परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, शून्य पारदर्शी है, शून्य के माध्यम से हो रहा है, इसमें कोई बाधा नहीं है, जैसा है वैसा ही दूसरे तक प्रभाव के रूप में पहुंच रहा है। इकाइयों को देखें तो दो प्रकार की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य। जो जड़ इकाइयां हैं वो अनित्य हैं, टेम्पररी हैं, चैतन्य इकाइयां निरंतर हैं। जड़ इकाइयों में देखें तो पहचानना, निर्वाह करना, दो तरह की क्रियाएं हो रही हैं। चैतन्य इकाइयों में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये चार तरह की क्रियाएं हो रही हैं। जड़ इकाइयों के देखें तो उसमें दो तरह की अवस्थाएं दिखाई देती हैं, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था की सबसे छोटी इकाई परमाणु, परमाणु परमाणु मिलके बने अणु, अणु अणु मिलके बन गए अणु रचनाएं, और अणु रचनाएं दो प्रकार से, पिंड के रूप में और रस के रूप में। ये जो रस के रूप में है उसी के रचना से कोशिका तैयार हो गई, जो प्राणावस्था की सबसे छोटी इकाई है, वही रचना एक प्रकार से रचित हुई तो पेड़ पौधे बन गए, दूसरे प्रकार से रचित हुई तो पशु का शरीर बन गया, तीसरे प्रकार से रचित हुई तो मानव का शरीर बन गया। जो पशु का शरीर है वो चैतन्य इकाई के साथ सहस्तित्व में आया तो जीवावस्था बन गई, जो मानव जो चैतन्य इकाई है वो मानव शरीर के सहस्तित्व में आया तो ज्ञानावस्था बन गई, और हम यहाँ पे हैं ज्ञानावस्था के रूप में, अभी ज्ञान के लिए काम कर रहे हैं, अभी हमारे क्रियाओं में अपूर्णता है, हम है ना प्रयास बात के लिए कर रहे हैं क्रियाओं में पूर्णता हो जाए, यानी चिंतन बोध अनुभव में जागृत हो जाए, ये होता है, और उसके साथ हम भागीदारी कर ही रहे हैं, अब भागीदारी में भी पूर्णता हो जाए, जीना हमारा पूर्ण हो जाए, शरीर के साथ जो भी मैं आदान प्रदान कर रहा हूँ उसमें पूर्णता हो, समझ के साथ हो, शरीर को हर क्षण एक साधन के रूप में देखते हुए हो, जिस भी मानव के साथ मैं संबंध का निर्वाह कर रहा हूँ वहां संबंध दिखाई दे, हर क्षण दिखाई दे, कभी भी अन्यथा भाव विचार ना हो। शेष प्रकृति के साथ जो मैं निर्वाह कर रहा हूँ उसमें हर क्षण मेरे अंदर प्रकृति के संवर्धन संरक्षण सदुपयोग का भाव विचार हो, अन्यथा ना हो, ये प्रमाण है कि मुझे दिख गया, मुझे समझ में आ गया, इसको आचरण पूर्णता कहा, तो हम निश्चित आचरण से जी पाते हैं, और यही मेरा विकास है। तो पूरी प्रकृति में देखें एकमात्र जो विकास होना है चैतन्य इकाइयों में होना है, और मानव में देखें तो इस प्रकार से होना है, क्रिया की पूर्णता हो जाए, आचरण की पूर्णता हो जाए, यही मेरा विकास है, यही आपका विकास है, इसी के लिए अभी हम काम कर रहे हैं। तो अभी जो रशपाल जी कह रही थी कि एक बार हमको ये दिख जाए कि यही मेरा सुख है, यही मेरा विकास है, तो अन्यथा हाथ पांव क्यों मारेंगे, फिर दिखता है ये बेकार में ही दौड़ लगा रहे थे, है ना, बहुत सारी चीजों के पीछे, जिसमें ना तो सुख था, ना निरंतरता थी, ना निश्चितता थी, परतंत्रता थी,
और उसमें सुख पाने में लगे हुए थे। यही भ्रम है, यही बंधन है। हमको दिख गया कि स्वयं में क्रियाओं के विकास से ही मेरा सुख है, यही मुक्ति है। तो ये भी आपको दिखाई देगा कि हम खुद ही अपने आप को बांधे हुए हैं, कोई दूसरा नहीं, और खुद ही मुझे मुक्त होना है, कोई दूसरा मुझे मुक्त नहीं करेगा, मुझे खुद ही पूर्ण होना है। हाँ, बाहर की जो भी इकाइयां हैं उनका सहयोग है, उनकी पूरकता है, बट निर्णय मेरा होना है और मैं अपने ही निर्णय से अभी परतंत्र बना हुआ हूँ, अपने ही निर्णय से मैं स्वतंत्र हो पाता हूँ। जड़ इकाइयों में देखें तो एक चक्रियता दिखाई देती है, संगठन विघटन दिखाई देता है। ये जो विकास है वो सिर्फ मुझ में है, चैतन्य में है। तो अभी हम लोग जितनी बात की तो दिखता है कि अल्टीमेटली सहस्तित्व पूर्वक ये पूरा अस्तित्व बना हुआ है, मुझे बस इस सहस्तित्व के साथ अलाइन होना है ना। इधर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उन्मुख नहीं हो रहा हूँ, इधर मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, उसको कहा कि भ्रमित हो गए हैं, है ना। अब जब इस ओर उन्मुख होते हैं, सहस्तित्व की ओर उन्मुख होते हैं, अभी जो बाहर हमने पूरा ध्यान फैला हुआ है उसको समेट कर इधर उन्मुख होते हैं, इधर ध्यान देते हैं, तो दिखता है अभी हम खुद ही उन्मुख नहीं हो रहे, उधर उधर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत सारी बाहर की चीजों पर ध्यान फैला हुआ है, इसे नहीं दिखाई देता है। देखने का निर्णय भी मेरा है, देखने की क्रिया भी मुझ में होने वाली है। जी, इतनी बात को लेकर कोई प्रश्न हो तो बताइए। एडिलेड जी का प्रश्न है, देयर सीम्स टू बी अ नीड टू डिपेंड ऑन समवन हु कैन लीड अस ऑन द राइट पाथ, सो आई वांट टू बिलीव दैट स्पेस सीज एवरीथिंग दैट हैपेंस इन इट्स आधार, डिफरेंशिएट बिटवीन एग्जिस्टेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। तो स्पेस को हम फिर सीयर ना कहें, स्पेस है, क्रिया शून्य है, सीयर मैं हूं, देखने वाला मैं हूं, आधार में शून्य है। तो अगर ये जो सामने डायग्राम है इसको भी देखें तो दिखता है कि अस्तित्व बना हुआ है, अस्तित्व बना हुआ है, अवस्थाएं बनी हुई है। क्योंकि मुझे इसमें सुख नहीं लग रहा है इससे मैं इधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जब दिखता है कि यही सुख है इधर ध्यान देता हूँ। गाइडेंस ठीक है, गाइडेंस हमें एक दूसरे से मिल सकता है ना, हम अपने आप में कुछ देखते हैं दूसरों से शेयर करते हैं, दूसरों को कुछ दिखता है मुझसे शेयर करता है, इस प्रकार हम म्यूचुअल एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, है ना, इतना भर है। बट देखने वाला मैं हूँ, देखने वाले आप हैं, शून्य नहीं, शून्य तो क्रिया शून्य बना हुआ है। और एग्जिस्टेंस और कोएग्जिस्टेंस में देखें तो एग्जिस्टेंस ही कोएग्जिस्टेंस है, तो अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक ही है, इससे अलग नहीं है, इससे भिन्न नहीं है, इससे अन्यथा नहीं है। जी जी भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, ये लास्ट में देख रहा हूँ, इतनी अपन मेहनत लगा के सब करके राइट अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ज्ञान प्रमाण पूर्वक जीना हम कर रहे हैं, लेकिन उसके मतलब आखिरी में जो हमको डेवलपमेंट मिल रहा है उसके सामने नॉट साइक्लिक लिखा है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न बनता है कि जैसे हम मेरिट आ जाते हैं तो वो मेरिट हमको रखना पड़ता है, अगर हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं किया, मैं एक बार मेरिट आ गया हूँ तो वो मेरा मेरिट चला जाता है, तो वैसे ही ये डेवलपमेंट जो एक बार स्थिति आ गई है तो उसको हमको रखना पड़ेगा भैया ऑल द टाइम, तो उसको हम नॉट साइक्लिक मतलब कैसे बोल सकते हो? हो सकता है मैंने कल से विचार करना छोड़ दिया, राइट फीलिंग मैंने कुछ देर तक रखा, एक बार मुझे लगा कि मैं बहुत डेवलप हो गया, अभी मुझे सब आ गया, फिर उसके बाद मैंने कुछ छोड़ दिया, तो वो नॉट साइक्लिक होता है क्या? थोड़ा डिस्कस करेंगे प्लीज। जी, तभी कल्पनाशीलता में प्रयास पूर्वक अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें तो साइक्लिकलिटी होगी, कि अभी हमने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया मान ले और हमारा बात पे ध्यान गया, अब इसे विचार कर रहे हैं, ठीक है, अब कुछ समय बाद भूल गए, फिर हम पुरानी मान्यताओं में चले गए, तो फिर प्रयास पूर्वक हमको ध्यान देना पड़ता है। तो ये जब तक कल्पनाशीलता में हम क्रियाशील हैं तब तक तो ये क्रम लगा रहेगा, याद किया भूल गए, है ना, फिर याद किया फिर भूल गए, ध्यान दिया ध्यान हट गया, सजग हुए बेहोश हो गए, फिर ये सब चलता रहेगा। बट एक बार जो हमें दिखने लगता है, संबंध दिखने लगता है, सहस्तित्व दिखने लगता है, तो फिर ध्यान क्यों हटेगा, दिख रहा है अब, तो पहले हम विचार कर रहे थे, तो विचार करने में और दिखने में यही अंतर है कि विचार में श्रम है, मेहनत है। जी, एक बार दिख गया तो जैसा वैसा दिखता रहता है,
और हमको जब दिखता है तो उसका सुख मिलता है और सुखी हम होना चाहते ही हैं, हम उसको बनाए मतलब बना ही रहता है हमारे अंदर, उसके लिए से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, श्रम नहीं करना पड़ता। अभी हम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि अभी इस क्षण तो इसमें सुख लग रहा है, फिर बाद में किसी और चीज में सुख लग रहा है, तो अभी तो इसमें सुख लग रहा है कि सहस्तित्व को समझा जाए, देखा जाए। ठीक, फिर जैसे सत्र पूरा हुआ तो आ गया मैसेज, आईपीएल मैच है। वही मेरा क्वेश्चन था भैया कि हमको ऐसा कुछ दिन के बाद लगने लगता है कि हम में तो सब आ गया, अभी अभी तो डेवलपमेंट हम हो गए डेवलप, फिर उसके बाद है ना भैया जी, तो अभी फिर आईपीएल पे ध्यान चला गया, अब आईपीएल पे ध्यान गया है ना, और हमारी टीम हार गई, दुखी हुए, फिर ध्यान गया यार दुखी क्यों हो गए। जी जी, तो ये तो मतलब डेवलपमेंट की जो क्रिया है ये हमको अंत तक मतलब ऐसा लगता है कि उसको करते ही रहना पड़ेगा आखिरी तक, जो भी हमारा आज का डिस्कशन सुन रहा हूँ मैं, मुक्ति मोक्ष सभी सुन रहा हूँ, तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग जो है कि हमको ध्यान देने की जरूरत है, एक बार दिख गया फिर वो बना रहेगा, फिर करते नहीं रहना है, फिर ध्यान बना रहता है, हमको दिखता रहता है, तो सहस्तित्व एक बार दिख गया तो हमेशा के लिए दिख गया, उसमें फिर निरंतरता होगी। मतलब हम धीरे 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 एक बार वो स्टेज आ गई कि वो हमारी वो स्टेज कंटिन्यू रहेगी, वो दिखना चालू रहेगा हमारा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल जी 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 भैया जी, धन्यवाद। आपके पास एक शरीर बना हुआ है, अभी इसको हम जितना भी देख पा रहे हैं उसके बाद आपको याद नहीं रखना पड़ता कि देखो शरीर है जी कि नहीं। जी जी बिल्कुल बढ़िया भैया। जी भैया नमस्ते, बहुत बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है जी, नमस्ते भैया सभी को, नमस्ते जी, नमस्ते। हेलो जी, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, ये क्वेश्चन ऐसा मन में आया कि जैसे व्यापक वस्तु में हम लोग रहने मात्र से उर्जित हैं और सभी सभी चीजें उसमें रहने मात्र से उर्जित हैं, तो ये कैसे हो रहा है भैया? मतलब कोई नॉन एनर्जी चीज हमको एनर्जी कैसे दे रही, मतलब रहने मात्र से कैसे हम उर्जित हो जा रहे हैं, मतलब इसका एग्जांपल थोड़ा और मतलब इसको खोल पाएंगे और समझ पाए। हेलो हेलो जी भैया, हाँ हाँ म्यूट हो गया था मैं। हाँ जी भैया, दिखता है आपको कि जी ये दिखता है अपने को कि शून्य नॉन एनर्जी है, ऐसा नहीं है, साम में ऊर्जा है, इक्विलिब्रियम एनर्जी है, एक प्रकार से बना रहता है ऊर्जा उसमें, उसमें बने रहते हुए हम ऊर्जित रहते हैं, हमारी ऊर्जा में घटना बढ़ना होता रहता है, शून्य में एक प्रकार से ऊर्जा बनी रहती है जो आधार में है, जो बने रहना है। नहीं तो भैया जैसे शून्य को अपन क्रिया शून्य बोले ना, मतलब व्यापक को, तो क्रिया शून्य, शून्य से हम क्रिया में कैसे आ जाएंगे भैया, मतलब इसमें रहने मात्र से कुछ, मतलब एग्जांपल दीजिए ना कैसे उसको समझे। देखिए आ गए या नहीं आए ये मुद्दा नहीं है, आप हैं, जैसे आप अपने आप को देखिए, आप हैं कि नहीं? जी हूँ, एग्जिस्टेंस में। आप ऊर्जित हैं कि नहीं? उर्जित है जी। किस प्रकार उर्जित है, कैसे उर्जित है? अच्छा, मतलब उसमें रहने मात्र से उर्जित है और सभी इकाई वैसे ही उर्जित है और... हाँ जी। और रहना भी क्यों कहें, होना कहें? होना, और आपका होना बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है और हो गए या है और नहीं रहेंगे, आपका होना है, हर इकाई का और होना बना रहे। जी जी, हर इकाई का धर्म अस्तित्व, इकाई है और बनी रहती है। जी जी, तो फिर जैसे ये क्रिया सुनने और क्रिया वाला कैसे उसको डिफरेंस करेंगे? क्रिया शून्य मतलब क्रिया शून्य उसमें, मतलब उसमें रह रहे हैं लेकिन वो जो है वो क्रिया शून्य है। जी जी, और हम जो है क्रिया शून्य नहीं है, आप क्रिया हैं, आपके अंदर क्रिया है कि नहीं, विचार हो रहा है, इच्छा हो रही है, आशा हो रही है,
सब हो रही है। जी 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 वैसे ही जैसे मटेरियल चीज भी है उसमें भी क्रिया हो ही रही है। हाँ और क्या। जी 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 भैया जी बढ़िया। भैया भैया स्लाइड अगला लगा देंगे क्या। जी तो असाइनमेंट ग्रुप में आज ये है जितनी हम लोगों ने बात की, तो हमने ये देखा कि सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व प्रकार, सहअस्तित्व पूर्वक है ना, तीन प्रकार से वास्तविकताएं बनी हुई है, अनित्य निरंतर और नित्य। और ये भी हमने देखा कि सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावी है, नित्य प्रकटनशील है। उसी क्रम में अब आगे असाइनमेंट के रूप में हमको शून्य को देखने का अभ्यास करने की जरूरत है। तो हमें देखें कि जब हम नेचर की ओर ध्यान देते हैं, प्रकृति की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है। तो एक हो सकता है गैप दिखाई दे रहा, दूरी दिखाई दे रही, दो इकाइयों के बीच की दूरी। दूसरा हो सकता है हमें एक इकाई का दूसरी इकाई पर प्रभाव दिखाई दे रहा है परस्परता में। और आगे देखते हैं तो हमें दोनों के बीच संबंध दिखाई देता है। जैसे मैं जहाँ पे हूँ, मेरे आसपास बहुत सारी इकाइयाँ हैं, पेड़ है, बिल्डिंग है, इनसे मेरी दूरी बनी हुई है। ये दूरी हमको पता लगता है बनी हुई है, कोई अन्यथा बात करे तो बेकार लगता है, क्या बेकार की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह पाते हैं कि हाँ मुझसे बिल्डिंग दूर है, मुझसे पेड़ दूर है, इतना तो हम अभी देख पा रहे हैं। अब मेरे और बिल्डिंग में परस्परता में कोई प्रभाव भी है क्या, हो सकता है इसको ना देख पा रहे हूँ। मेरे और पेड़ में परस्परता में कोई प्रभाव भी है क्या, हो सकता है इसको देख पा रहे हैं। तो अभी हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे शरीर है तो मेरे और शरीर के बीच में सहअस्तित्व बना हुआ है, एक प्रभाव बना हुआ है ना। मेरे शरीर और पेड़ पौधे के बीच में भी एक निश्चित प्रभाव बना हुआ है, जो पेड़ पौधे से ऑक्सीजन निकल रहा है मेरा शरीर ले रहा है, मेरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो पेड़ ले रहा है, ऑक्सीजन लेकर मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो प्राण कोशिकाएं जो है उसकी पुष्ट हो रही है, ये प्रभाव बना हुआ है। थोड़ा विश्लेषण करने से ये बात पता लगी। तो रूप में जो परिवर्तन होता रहता है उसको देखकर हम उसके गुण का पता लगा लेते हैं कि अच्छा इस प्रकार से परस्परता में प्रभाव पड़ता है तो इस प्रकार से रूप में परिवर्तन होता है। जैसे हमने लाइटर लगाया और बर्नर में आग जल गया, तो हमको लाइटर और गैस के बीच का गुण पता चलता है, परस्परता में क्या प्रभाव है। यानी स्पार्क होने से ये गैस जल जाता है, स्पार्क होने से हवा नहीं जल रही थी, ये गैस जल जाता है। इस गैस का गुण है कि जरा सा इसमें चिंगारी मिल जाए तो जल जाता है, हवा में ये गुण नहीं है। तो क्या हुआ, रूप देखा हमने, पहले गैस से है ना, उसमें कोई लॉ नहीं था, अब लॉ आ गया, रूप परिवर्तन हुआ, उस रूप परिवर्तन से गुण में हमको गुण के बारे में पता चला विश्लेषण पूर्वक। तो हो सकता हम यहाँ तक देख पा रहे हैं और आगे देख सकते हैं कि इस लाइटर और इस गैस में भी कोई निश्चित संबंध है, ये पेड़ और मेरे शरीर के बीच में एक निश्चित संबंध है, ये पेड़ और इस बिल्डिंग के बीच में एक निश्चित संबंध है, ये हवा और मेरे शरीर के बीच में निश्चित संबंध है। तो ये बेसिकली परस्परता में प्रभाव कैसे पड़ रहा है, क्योंकि इनके बीच में संबंध बना हुआ है। इसको और आगे जाके देखते हैं तो दिखाई देता है, अदरवाइज हम जहां से देखना शुरू करते हैं वो दूरी होती है, थोड़ा विश्लेषण करते हैं तो परस्परता में प्रभाव दिखाई देता है, और उसके भीतर जाके देखते हैं जब उसका चिंतन करते हैं तो संबंध दिखाई देता है। फिर आगे और देखते हैं तो दिखता है कि इकाइयां बनी हुई है, स्वयं में व्यवस्थित है, कि गैस बना हुआ है, लाइटर बना हुआ है, पेड़ बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, शरीर बना हुआ है, मैं बना हुआ हूं, और ये सभी एक निश्चित प्रकार से बने हुए हैं। ये हमारी बोध की स्थिति बनती है। और हमें अगर ये भी दिखाई दे कि कैसे शून्य में बने रहते हुए सभी ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, तो ये फिर सहअस्तित्व तो बना हुआ है, ये भी दिखाई देता है। अब हम कहाँ तक देख पा रहे हैं इसका आकलन करने की जरूरत है, और क्या हम ये देख पाते हैं, क्या हम ये देख पाते हैं कि सेल्फ और बॉडी ये दो अलग अलग रियालिटीज हैं जो सहअस्तित्व में है। एक्सरसाइज टू का जो स्टेप वन हमने किया, तो मैं और शरीर को दो अलग अलग वास्तविकताओं के रूप में पहचानने का प्रयास किया। फिर ये हमने जो कहा कि इन दोनों के बीच दूरी है, स्टेप फोर में हमने देखा कि मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है, उससे निष्कर्ष पे पहुंचे कि मेरे और शरीर के बीच में दूरी है। और आगे ये भी देख सकते हैं कि मैं भी शून्य में हूँ, शरीर भी शून्य में है, और मेरे और
शरीर के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है वो भी शून्य के माध्यम से हो रहा है। तो इसको हम लोग स्टेप टू में देखे थे आदान प्रदान को, और कैसे शून्य बने रहते हुए हो रहा है इसको स्टेप सेवन में देखेंगे। तो इसके बाद जो अभ्यास करेंगे एक्सरसाइज टू का स्टेप सेवन, उसमें चीज को देखने का प्रयास करेंगे। और अपने आप में ये भी देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार शून्य में संपृक्त हूँ, मैं बना हुआ हूँ शून्य, मेरे स्वयं में भी है, बाहर भी है, हर जगह है और मैं इसमें बना हुआ हूँ। तो शून्य के स्तर पर जाके देखना तो अभी हमारे तो उतनी तत्परता न बन पाए, उतनी योग्यता न बन पाए, परंतु एक बार इसको विश्लेषित तो जरूर करें और अपने जीने से जोड़कर देखें कि मेरे सुखपूर्वक जीने में इसका क्या रोल है, इसको हम कम से कम देखना शुरू करें, इससे और आगे क्लैरिटी बने। हाँ भाई नमस्ते, सबका नमस्ते। भाई मेरा सवाल थोड़ा अटपटा सा है कि जैसे अस्तित्व है तो हम है तो ये सब देख पा रहे हैं, इकाई है, चेतन इकाई है, जड़ इकाई है, तो मेरा ये सवाल है कि ये इसका पर्पस क्या था, मतलब अस्तित्व को बनाने का पर्पस क्या था, फिर ये इकाई हुई क्यों, ये नहीं होता तो हम इस सारी डिस्कशन नहीं कर रहे होते, तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये थोड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था, मतलब मेरे अंदर चल रहा था। देखिए हम कहीं ना कहीं माने हुए हैं कि अस्तित्व को बनाया गया है, तभी तो पर्पज की बात हो रही है। अब बोलते हुए दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो हमको लगता है किसी ने बनाई है, तो बनाई नहीं है, ये अस्तित्व है, बना हुआ है, हमेशा से था है और रहेगा। तो भैया जी ये जो था है रहेगा ये जानना है या मानना है? अभी हो सकता है आपके लिए मानना हो, बट जानने तक पहुंचना है। नहीं जानने तक पहुंचना है इसका मतलब कि ये है, मतलब ये अभी तो मतलब ये बनी है, ये है, तभी हम इससे बातें करते हैं, हम होते नहीं तो बातें भी नहीं करते। वही तो अभी हम उसके अन्यथा क्यों विचार कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं माना हुआ है कि ये भी एक संभावना कि अस्तित्व नहीं होता या जैसा है वैसा नहीं होता, तो अभी तो जैसा वैसा देखना बनता है, और ये कोई रचना तो है नहीं कि किसी ने रचित किया ना, ये तो अस्तित्व है, हमेशा से था है और रहेगा, इसमें रचनाएं हो रही हो ठीक है, बट ये है ना कोई क्रिएशन तो है नहीं, अस्तित्व है, तो जैसा है वैसा देखना बनता है, समझना बनता है, इसके साथ निरंतर सुखी होना बनता है। तो अभी अभी इसमें लंबी प्रक्रिया मतलब गुजरना पड़ेगा कि ये हम समझ पाए कि इसे जानना है, मतलब ये है अस्तित्व जो है इसको हम जो मैं अपने मेरे हिसाब से मान के चल रहे हैं, तब ये सब प्रक्रिया हो रही है। हाँ अभी मानने में जी रहे हैं इसलिए बहुत सारे शंकाएं प्रश्न है ना, जान लेंगे तो प्रश्न मुक्ति हो जाएगी, शंकाओं से मुक्ति हो जाएगी। बढ़िया भैया, कुछ और भी एक्सप्लोर करेंगे। हाँ इससे और एक्सप्लोर करें, कल इस पर और आगे हम चर्चा करेंगे, तो आज यहाँ चर्चा रोक लेते हैं जी। एक तो यहाँ पे कमेंट था रिकॉर्डिंग के लिए, तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जा रही है सुनीता जी, तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, थोड़ा समय लगता है हम लोग को उसको अपलोड करने में प्लेलिस्ट में, बट रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है जी। बढ़िया, तो आज की चर्चा रोक लेते हैं, सभी को धन्यवाद।